ये पूरा परिवार इंसाफ मांग रहा है क्योंकि एक तेज रफ्तार की वजह से बेकसूर की जान चली गई। दरअसल मामला कुछ दिन पहले का है। सिवागढ़ी के बस स्टैंड पर एक तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्राली आ रही थी कि वहां से सामने से साइकिल पर सवार होकर दोनों भाई अपने काम पर जा रहे थे कि तभी ट्रैक्टर ट्राली ने साइकिल को न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि साइकिल चला रहे 42 साल के व्यक्ति पर ट्राली का पहिया भी चढ़ा दिया। भाई ने बताया कि उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, उसे बचाने का काफी प्रयास किया गया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सवेरे का टाइम था, जो मेरे भाई साहब छोटे वाले हैं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ ताऊ का लड़का। सवेरे का टाइम ऐसा 7:30 बजे के बाद नहीं बता, मेरी भी सोनीपुर ड्यूटी होती है, मैं मेडिकल रैब में काम करता हूँ। तो सवेरे हम वो फैक्ट्री के लिए चले गोल्डन के लिए और मैं अपने काम के लिए, हम साथ में दोनों भाई साथ में चल रहे थे। तो एक ग्रीन कलर का ट्रैक्टर थोड़ा पीला था, वो तेज़ आया और रोंग साइड से चल रहा था। आते ही सर उसने बिल्कुल रोंग साइड चलते चलते खेत का चारा लेने शुरू से जाते हैं 7:30-8 बजे के आसपास, नीर अबाउट बात है। तो उन्हें जोर से उसको बिल्कुल टक्कर मार दी, मेरे भाई के बिल्कुल सामने टक्कर लगी और फिर कट मार दिया। कट मार के जो ओवरटेक करने लगा तो बड़ा जो टायर होता है ट्रैक्टर वाला, तो उसके पहले तो उसके नीचे कुचल दिया, उसके बाद पीछे से ट्रेली भी जोड़ी हुई थी जो बुग्गी होती है, तो बुग्गी के नीचे आने से हमने हड़बड़े में उसको रुका, भाई को पहले मैंने निकाला, वो ट्रैक्टर रोंग तेज से आगे जा चुका था। हमने आवाज़ दी तो लोग मेरे साथ जो राहगीर थे उन्होंने भी पकड़ा, तो मेरे साथ पहले गाली गलौज चली ट्रैक्टर वाले की, बहुत गाली गलौज चली, उसने मेरे साथ बिहेव से बात करी। तो सभी राहगीर ने मेरे को बोला पहले अपने भाई को उठाओ, अपने भाई को बचाओ, इसके बाद की बातें हैं। तो सर मैं उसी टाइम आया, मैंने एम्बुलेंस का अरेंज किया, बराबर में मुझे कोई नज़र नहीं आया, मैंने पार्क हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा दिया, पार्क हॉस्पिटल में मैंने उसको एडमिट करवा दिया। तो उसकी सांस बिल्कुल थम चुकी थी, हार्ट बीट बिल्कुल थम चुकी थी। डॉक्टर ने उन्होंने बहुत कोशिश की, इंडोस्कोपी से मार्शल करके फैसला करके उसको कोशिश करी, 1.2 उसकी हार्ट बीट चल रही हुई थी। तो डॉक्टर की कोशिश होने के बाद उन्होंने बांट रही थी थोड़ी, हमारे 2.30 आ गई है। तो हमने एडमिट करवा, उसके बाद हम मेरे भाई का 8 दिन ट्रीटमेंट चला सकते हैं। करीब रात को 9:30 बजे के अमाउंट में सर उसको बिल दिल का दौरा पड़े, 5 उसको हेड में इंजरी है, 2 उसकी पसली में इंजरी है, 2 उसके फ्रैक्चर यहाँ पर है। हमने बहुत कोशिश करी सर, उसको बचा नहीं पाए। जो उसको तेज़ गति से ट्रैक्टर आ रहा था वो ना तो आज तक पता लेना, ना उस पर कोई पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं कर बैठी। हम पहले अपने भाई को समझा, आज रात ने उन डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया, इसलिए हम उसको यहाँ पहुँचवाने के लिए है। भाई कितनी उम्र थी? भाई की नीर अबाउट 42 साल की उम्र है सर। बड़ा भाई था मेरा, वो पहले ही 3 साल पहले एक्सपायर हो गया था, जो LLB कर रहा था। उससे छोटा मेरा पहले भाई 5 साल पहले एक्सपायर हो गया था। ये इस पे 3 परिवार निर्भर था, इसका खुद का परिवार था, मेरे बड़े भाई का परिवार था, एक छोटे भाई का, 3 परिवार को। एक माँ बिल्कुल 65-70 साल की है सर, फैक्ट्री में काम करती है, तीनों घर का पालन पोषण बहुत मुश्किल से कर रहा था सर। गांव वाले भी सहयोग करते, बराबर गांव वाले भी हमारा सहयोग कर रहे थे और गांव वालों ने पूरा भी सहयोग किया हमारे को सर। बस जो 3 घर का चिराग था सर, वो ट्रैक्टर की लापरवाही की वजह से वह चिराग बुझ गया। तो ट्रैक्टर वाले की आपने कंप्लेंट नहीं करी? मैंने कंप्लेंट करी सर, पहले मैंने अपने भाई को बचाने की कोशिश करी उस टाइम, फिर मैंने कंप्लेंट करी, मैंने IO को भी वहाँ 29 सेक्टर लगता है, मैंने वहाँ को बुलाया, उनको कंप्लेंट भी करी मैंने। तो पुलिस ने कार्रवाई करी ना करी सर, मैं तो अपने भाई को बचाने के इजी में ज़्यादा बिजी रहा सर। प्रशासन से आप क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन के मैं यही मांगता, जो ट्रैक्टर वाला सर सेवा का बंदा रोंग साइड से चल रहा था, तेज गति से चल रहा था, उसके पास सख्त से सर कार्रवाई की जाए सर। परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो, ट्रैक्टर चालक की वजह से उनके भाई की जान गई है। ये जी 5-7 दिन पहले जो है ना, ये लड़का अपनी फैक्ट्री में जा रहा था, एक रोंग साइड से ट्रैक्टर आ रहा था जो बताया जा रहा है शिवा का, और उसने गलत तरीके से लापरवाही से ड्राइवरी करते हुए इसको चोटें मारी हैं, जिसके कारण आज उसकी मौत हो गई। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक पूरे गांव में गरीब परिवार है ये, और जो 3 परिवारों का पालन पोषण अकेला बंदा कर रहा था, इसकी माँ है 60-70 साल की, अब 3 विधवा गाँव के एक ही परिवार में जो है ना हो गई हैं। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए, और सरकार से ये मांग करते हैं कि इस परिवार की जो भी संभव मदद हो वो मदद की जाए। परिवार वालों ने बताया कि मृतक अकेला ही था, वो 3 परिवारों का खर्चा चला रहा था, तो ऐसे में इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।